हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनुजा मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी, रिकमेंडेशन ऑफ चक्रवर्ती कमेटी। देखिए, कौन कौन से सजेशन दे सकते हैं हम अपनी तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी की इम्प्रूवमेंट के लिए, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और अगर क्वेश्चन ये आता है रिकमेंडेशन ऑफ चक्रवर्ती कमेटी ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी है मॉनेटरी पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट के लिए, तो भी इस क्वेश्चन में वही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टूडेंट विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमेटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एस चक्रवर्ती इन 1982। देखिए, जो RBI है उसने अपॉइंट करी एक कमेटी मॉनेटरी सिस्टम को की वर्किंग को चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में? श्री एस चक्रवर्ती के चेयरमैनशिप के अंडर में। कब? 1982 में। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1985। इसने रिपोर्ट सबमिट करी 85 के अंदर, ठीक है। द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वर एज फॉलो। से अच्छे तरीके से भाई मॉनेटरी पॉलिसी चले, स्मूथली चले, उसके लिए इन्होंने क्या दिए, कई सारी रिकमेंडेशन दी हैं। इसमें से फर्स्ट रिकमेंडेशन ये है प्राइस स्टेबिलिटी, कि जो RBI है वो इस तरीके से वर्क करे कि प्राइस स्टेबल रहे, ऐसे जो है क्रेडिट को कंट्रोल किया जाए कि प्राइस स्टेबल रहे, ठीक है। तो प्राइस स्टेबिलिटी इज द फर्स्ट सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आगे है कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिशल पॉलिसी। देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी, उसमें और फिशल पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन बना के चलना। अगर कोऑर्डिनेशन बन के रहेगा तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगी। आगे है फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये नहीं है कि रिजिड, मान लो 3% CRR है, मान लो हमारी बैंक रेट 3% है, वो 3% ही रहे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होने वाली होनी चाहिए, ठीक है। आगे है स्ट्रेंथनिंग मनी मार्केट। मनी मार्केट को आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड करोगे तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से वर्क कर पाएगी। हमें पता है कि जो हमारी मनी मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड है, और अगर अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। आगे है मॉनेटरी टारगेटिंग। मॉनेटरी टारगेटिंग मीन्स फिक्सिंग टारगेट फॉर द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। देखिए, मनी सप्लाई है हमारे, उसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे, मॉनेटरी टारगेटिंग में एक टारगेट फिक्स करेंगे ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई के लिए, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई के लिए टारगेट सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट फिक्सिंग उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। RBI शुड फिक्स मॉनेटरी टारगेट सो एज टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। RBI क्या करती है, मॉनेटरी टारगेट फिक्स कर देती है, जिससे क्या होता है, ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई को हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन डायरेक्ट डिजायर्ड डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। आगे है क्रेडिट प्लानिंग। क्रेडिट प्लानिंग करेंगे कि हमें किसको कितना क्रेडिट प्रोवाइड करना है। अगर मार्केट में ज़्यादा अगर एक्सेस में मनी सप्लाई है तो क्रेडिट हमें क्या कर देना है, कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। अगर मान लो सप्लाई कम है तो हमें क्रेडिट एक्सपेंड कर देना है। और जो भी प्रायोरिटी सेक्टर हैं लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उनको क्या प्रोवाइड करना है हमें, जो मतलब इजी अवेलेबल लोन्स प्रोवाइड करने हैं। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है हमने, फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हमें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है, इसमें कोई पर्सुएशन नहीं होना चाहिए, इसमें कंपल्शन होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है जिसमें हमने पढ़ा सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी, वो आपको अच्छे समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनुजा मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।